Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network System. I welcome you all once again to this online session. आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 11. लेक्चर नंबर 10 में आप मेरे साथ रहे थे. मैं दोबारा से आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने लेक्चर नंबर 11 में. दोबारा से यही जो हमारे पास लेक्चर है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से, बेसिक कंसेप्ट से. उसी को लेकर चलूंगी आगे कि हमारे पास पीछे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, अब हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, क्या ताल्लुक बनता है मोलिकुलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला से, और इसी तरह से जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में रिलेटेड एग्जाम्पल है मैंने उसको इस लेक्चर में रखा है. अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. हमारे पास जो लेक्चर है इसके जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जांपल्स क्या हैं इसकी. उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद इसमें हमारे पास जो चैप्टर में मौजूद एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स में से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने अपनी थ्योरी के साथ मैच करते हुए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैनुअली निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं. फिर उसके बाद एक बहुत ही अहम क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दरमियान में क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इससे लाजमन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन पाएगा. उसके बाद हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. हमारे पास है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जिस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक रेशियोस क्या है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन कितने मौजूद हैं. क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी मैं इस लिहाज से कोरिलेट करूंगी कि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन के एटम मौजूद हैं और कितने हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, और उसके अलावा कितनी ऑक्सीजन मौजूद है. ये तमाम चीजें जो हमें एक फॉर्मूले में नजर आती हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर टोटल कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं, ऑक्सीजन इतने हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. तो बहुत ही इजी सी इसकी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. इसी तरह से अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ आए तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने बताई हैं बोर्ड में आपको अपने लेक्चर में. एक मैंने एग्जाम्पल दी है बेंजीन की. बेंजीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H6, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूं तो क्या तरीका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का निकालने का, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन. कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 6, हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 6. इन दोनों वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1:1. इस तरह से हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा डेट इज CH. तो यहां पे मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन C6H6, वाइल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C12H6C12O6. एंड इसी तरह से इनके जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर सके कर लिए हैं पीछे से हमने अपने कमर्शियल एनालिसिस के टेक्निक से, जो कि हमारे पास आते हैं बेंजीन का CH, जबकि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास ग्लूकोज का होता है CH2O. यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है डेट शो आर रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली लिंक करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से. एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं कमर्शियल एनालिसिस से. जब हमारे पास एक दफा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है उसके बाद उसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है. उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. एन क्या है यहां पे, सिंपल इंटीजर है. एन क्या है यहां पे, सिंपल इंटीजर.
सिंपल इंटीजर कैसे हमें बता रहा है? सिंपल इंटीजर का मतलब ये है एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यही दोनों के दरमियान में ताल्लुक बनता है, एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला के दरमियान में। और यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है हमारा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, किस तरह से एक ताल्लुक बन सकता है अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है What is the relationship between the empirical and molecular formula? Then आपको किसी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप टॉप पे लिखेंगे molecular formula is equal to an empirical formula where n is a simple integer that is equal to molecular mass over empirical formula mass। अब उसके बाद अगर हम देखें इससे लिंक्ड एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है किताब में। पीछे हमने तरीके का सारा पढ़ लिया कि empirical formula को निकालने के चार स्टेप्स हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ग्राम्स एटम्स, एटॉमिक रेशियो, देन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने उसके लिए अप्लाई किया कंबशन एनालिसिस को। कंबशन एनालिसिस से हमारे पास निकल आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमने किस तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने शो करवा दिया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे सिंपली हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले से मौजूद है। एन क्या करेंगे हम लोग, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ आती हूं, द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% ऑफ द कार्बन, 5.50% ऑफ द हाइड्रोजन, 29.06% ऑफ द ऑक्सीजन। What is the empirical formula of the compound? पहला सवाल उन्होंने पूछ लिया कि empirical formula क्या होगा? ऐसा compound जिसकी ये percentage है, उसके अंदर इतनी carbon है, इतनी hydrogen है, इतनी oxygen है, तो उसका empirical formula क्या बनेगा? Number one, number two उन्होंने हमें पास चीज दी है, the molecular mass of this compound is 110.15 gram per mole। उन्होंने molecular mass हमें बता दिया। हमने सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के हमने n की मदद से अपना निकाल लेना है n की वैल्यू, और n की वैल्यू की मदद से हम सिंपली क्या निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो पीछे मैंने इक्वेशन आपको बता दी है। सब मैंने आपको ये भी बताया है स्टार्ट में कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के चार स्टेप हैं। पहला स्टेप उन्होंने हमें खुद ही करके दे दिया, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कार्बन की बता दी, हाइड्रोजन की बता दी, ऑक्सीजन की बता दी। अब इन्हीं परसेंटेजेस को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि हमने इसी परसेंटेज को हमने फॉर्मूला के ऊपर लिखना है, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, उस वाले कार्बन के एटोमिक मास। कार्बन का एटोमिक मास कितना होता है, 12। इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो जो परसेंटेज हम ग्राम एटम्स निकालने हैं, तो उसकी परसेंटेज हमें अवेलेबल है, परसेंटेज को ऊपर लिखेंगे, नीचे हम लोग मास लिख देंगे, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे कि ऑक्सीजन को निकालने का ये तरीका था कि जो परसेंटेज हमारे पास आई थी, जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन दोनों को हमने जमा किया, जमा करके फिर हमने उसको माइनस किया 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ गई थी ऑक्सीजन की। उस ऑक्सीजन की परसेंटेज जो हमारे पास आई थी, हमने क्या किया, उस परसेंटेज को हमने ग्राम एटम के फॉर्मूले में ऊपर लिखा है, नीचे हमने ऑक्सीजन का वेट लिखा है, उसके वहां से हमारे पास एक रेशियो आ जाती है, उस रेशियो को हम कहते हैं, वैल्यू को हम कहते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ द ग्राम एटम ऑफ द ऑक्सीजन। तीनों के ग्राम एटम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब तीनों के ग्राम एटम्स जब आ चुके हैं, तो हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के डिटरमिनेशन के। नंबर वन स्टेप वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन। नंबर टू स्टेप था नंबर ऑफ द ग्राम एटम। नंबर थ्री स्टेप इज द एटॉमिक रेशियो। तीनों की जो वैल्यूज आई है ग्राम एटम्स की, जो सबसे छोटी वैल्यू है, पहली वैल्यू हमारे पास कार्बन की कितनी आ रही है, 5.545 ग्राम, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन की आ रही है 5.46 ग्राम, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन की आ रही है 1.82 ग्राम। सबसे कम आ रही है ऑक्सीजन की, जो सबसे कम वैल्यू आई है, उस वैल्यू से तीनों वैल्यूज को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रेशियो बनती है, दैट इज 3:3:1। 3:3:1 इंडिकेट करता है कि हमारे पास इस गिवन सैंपल के अंदर तीन कार्बन के एटम मौजूद हैं, तीन हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। अब इसी फॉर्मूला की मदद से मैं आराम से निकाल सकती हूं अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, C3H3O।
हर कार्बन का वेट कितना होता है 12, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जमा करेंगे वेट ऑफ द हाइड्रोजन से, डेट इज 1, और जमा करेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन का वेट, तो यहां से हमारे पास मास आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा किसका, C3H3O का, डेट इज इक्वल टू 55.05 ग्राम पर मोल। अब हमने हमारे पास दोनों मासेस आ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास भी आ चुका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी आ चुका है, इन दोनों को हम पुट करेंगे n की वैल्यू में, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आपके पास सामने फॉर्मूला मौजूद है जो पीछे हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, उसी फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू जो हमारे पास आई है डेट इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, हमने एक रिलेशनशिप पीछे मैंने आपको बताया था, डेट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 2 आई थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास कितना था, C3H3O, इसको भी इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के इस 2 को हाइड्रोजन के भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीजन के 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 3 6, 2 3 6, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2। तो यहां पे हमने अपने पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के हमने अपना सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आया है C6H6O2। यहां पे हमारे पास ये एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है, दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको आपने अगर कभी भी डिफरेंशिएशन आता है, जिसे मैंने आपको इशू करवाया है लाइन लगा के, हमने दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, वही आपने लिखनी है, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी है, दोनों का लिंक लिख दिया, लिंक लिखने के बाद हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं, ये उसके हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप डिफरेंशिएशन के कॉलम्स में लिख सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसी तरह से फिर एक रिलेशनशिप का बना लेंगे सेकंड पॉइंट, के एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरह से लिंक करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से लिंक करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, वही एक ही क्वेश्चन दोनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला यूनिट यानी कि वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली एक्चुअल तादाद बताता है एटम्स की, एटम्स किस में मौजूद है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल किस में होता है कंपाउंड में, उसके बारे में हमें ये सब कुछ बताता है। जैसे कि मैं बता रही थी कि डिफरेंशिएशन में बता रही हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसके बाद हम लोगों ने इसमें रिलेशनशिप दोनों के बारे में लिख लेना है, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं नेचर में हम कह सकते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सुक्रोज है, ये चंद फॉर्मूलाज ऐसे हैं, चंद कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। हम मूव करते हैं अपने बोर्ड क्वेश्चन की तरफ कि इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से हमारे बोर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अंथ मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने एक रिलेशनशिप पीछे पढ़ा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकती हैं इस वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो भी हमने पीछे पढ़ा है डिफरेंशिएशन बिटवीन द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रिपीट हो गया है, आपको मैं बता चुकी हूं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं, जिनकी एग्जांपल मैंने सामने लिख दी है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहां पे बन सकता है, डिफाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला।
आज का लेक्चर हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है। एक दफा फिर भी हम लोग लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमारे पास हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में आपस में क्या ताल्लुक है। इसके बाद हमने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस की है, जिसमें हम लोगों ने ना सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया बल्कि एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हमने उस कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाला है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास बनता था C6H6O2। थैंक यू वेरी मच।